सोलकम स्टूडेंट सीनियर फर्स्ट क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्लास किस बारे में है? द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्ट क्या है। तो देखो, ट्रांसपोर्ट क्या है ये तो हम सीखेंगे उसको सिवा, और इस चैप्टर में और क्या क्या सीखेंगे वो देखेंगे। ओके, देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, मतलब कितना दूर है तुम्हारे से, तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तुम्हारे घर से तुम्हारा मार्केट कितना दूर है, ये सब एक कॉन्सेप्ट है हम इस चैप्टर में मिलेगा। नाउ प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट मेजरमेंट। मेजरमेंट यू नो, मेजर योर हाइट, मेजर योर वेट, मेजरिंग द टाइम, कितना टाइम लगता है, ये सब मेजरमेंट। तो इस बारे में भी हम आइडिया करेंगे। रूल्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का रूल क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है, उस बारे में हम जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। मोशन क्या है इसके बारे में आइडिया मिलेगा, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर जर्नी फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। तुम अपने स्कूल से अपने घर जा रहे हो या फिर अपने घर से स्कूल आ रहे हो, तो उस रास्ते में तुम क्या क्या यूज करोगे, क्या क्या इस्तेमाल करोगे, कौन कौन सा व्हीकल यूज करोगे। ऐसे जैसे अगर मुझे पूछो कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ स्कूल से पहले एक ट्रेन पकड़ता हूँ, ट्रेन पकड़ के एक स्टेशन में उतरता हूँ, फिर एक दूसरा ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद ऑटो रिक्शो और ऐसे रिक्शो में जाता हूँ मेरा। ओके, ऐसे तुम भी लिखो अपने खाता में, दिस इज योर होम। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एकदम प्राचीन काल से आज तक कैसे ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, मतलब एक के बाद एक क्या क्या व्हीकल्स आए, उसके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम यहाँ पे देखें। फर्स्ट क्या था देखो। ओके, सो वॉकिंग। वॉकिंग था फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Long, long ago, people used to move from one place to another only on foot. बहुत बहुत साल पहले लोग चल के जाते थे। ये आदि मानव चल रहा है ना? दूसरा कोई रास्ता नहीं था। फिर धीरे धीरे लोग जितना डेवलप होता गया, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया वो हम देखें। यूज ऑफ एनिमल। यूज ऑफ एनिमल मीन्स कौन कौन सा एनिमल जानते हैं? डंकी या फिर हॉर्स, बुलॉक, इन सब चीज एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ह्यूमन यूज्ड टू कैरी देयर गुड्स ऑन द बैक यूजिंग एनिमल्स। एनिमल्स के पीठ में सामान रख के उसको एक जगह से दूसरे जगह वो जाते थे। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं। चलो देखते हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील। एक बहुत बड़ा डिस्कवरी, व्हील, चक्र, उसका आविष्कार है, उसका आविष्कार से बहुत कुछ बदल गया। दिस इन्वेंशन ऑफ मेड ए ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत चेंजेस आ गया, लोग एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्द पहुंचने लगा है व्हील्स का आविष्कार से। अभी भी व्हील हमारा एक बहुत बड़ा साथी है, जिसके मदद से हम कई सारे व्हीकल्स को यूज करते हैं। वो क्या क्या देखेंगे हम धीरे धीरे। देखो व्हील के आविष्कार होने के बाद क्या हुआ, फिर उसका और डेवलपमेंट होने लगा। व्हील का डेवलपमेंट में ये देखो क्या है, ये घोड़ा गाड़ी है, तो हॉर्स कार या फिर बुलॉक कार्ट भी है, अभी भी गांव में कहीं कहीं देखा जाता है। सो द डिजाइन ऑफ व्हील्स वाज इंप्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ इयर्स। हजार हजार साल से इस व्हील का इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट। इन द मीन टाइम ह्यूमंस आर आल्सो ट्रैवल थ्रू द वाटर। पानी से जाने लगा। पानी से कहाँ जाने लगा? देखो, बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन व्हिच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड, लेटर इट हैड बीन डेवलप्ड। एक बोट है या बहुत सारे एनिमल्स दिख रहा है बोट में, तो एकदम सिंपल वुड से बना था, लॉग ऑफ वुड से बोट को बनाया जाता था, एकदम प्लेन ऐसे होता था। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, बोट्स तुम ऑलरेडी जानते हो। उस बोट को डेवलपमेंट में और बहुत बहुत साल बाद इस 20th सेंचुरी में, 90th सेंचुरी में ये बोट बन गया शिप, बहुत बड़ा बड़ा शिप। टाइटैनिक का नाम सुना है कि? टाइटैनिक वाज आल्सो ए वेरी बिग शिप।
ओके नेक्स्ट द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सोर्स ऑफ पावर स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ देखो ना स्टीम इंजन हां स्टीम इंजन में क्या करता कोल डाला जाता था आग में और उससे धुआं निकलता था और उसके शक्ति से ये इंजन चलता था किसने डिस्कवर किया था इन 1765 जेम्स वाट डिस्कवर स्टीम इंजन नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट नेक्स्ट एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आया हॉट एयर बैलून इट इज द फर्स्ट मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट ऐसे हॉट एयर बैलून्स गैस बैलून्स कहते हैं इसे यहां पे आग जलते हैं गैस भर जाते हैं हवा भर जाता है जिसके मदद से हल्का हो जाता है और ये ऊपर की तरफ जाते हैं ये था फर्स्ट एयर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या-क्या है फर्स्ट पर्सनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग व्हील्स इट इज बाइसाइकिल और एक है क्या है वो दैट इज फ्यूल कार जानते हो ना डिजाइनर गाड़ी स्पोर्ट्स कार फ्यूल कार बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इस बारे में साइकिल है और एक है मोटरसाइकिल तुम लोग जानते हो यहां पे भी देखो यूज ऑफ व्हील वही इन्वेंशन ऑफ व्हील दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आज भी उसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है बहुत सारी चीजों में हो रहा है नेक्स्ट देखते क्या आता है The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. Gas balloon छोड़ो अभी आ गया aeroplanes. किसने discover किया? The Wright brothers in 1903 में discover किया aeroplane जिसमें human चढ़ के जा सकता था. फिर इस aeroplane का भी और development हुआ और अभी जानते हो कि flight पकड़ के हम बहुत दूर के जगह में जाते हैं. है कि नहीं? और उसके बाद बहुत कुछ हुआ मोनोरेल तुमने सुना जापान में और भी इलेक्ट्रिक रेल इंजन अभी जो चलता है उसमें स्टीम इंजन तो नहीं इलेक्ट्रिक रेल इंजन है वो सब डेवलप हुआ और फाइनली और एक डेवलपमेंट हुआ जिससे हम अर्थ के बाहर भी जा सकते हैं 20th सेंचुरीज लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इज द स्पेसक्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ ओके सो फिर अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कवर हो रहा है तुम लोग जानते हो मार्स में स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही एक गाड़ी स्पेशल गाड़ी लेके जाया गया वो भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नाउ इट इज द टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट ओके योर होम असाइनमेंट मेक अ लिस्ट ऑफ व्हीकल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स प्रॉपर ऑर्डर मतलब एकदम पुराने काल से आज तक जो जो व्हीकल का डेवलपमेंट हुआ उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखो जैसे एकदम फास्ट व्हीकल क्या था बाय फुट सेकंड यूज ऑफ एनिमल्स थर्ड देयर वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील्स फिर धीरे धीरे बोट आए स्टीम इंजन ऐसे एक ऑर्डर में लिखो एकदम पुरातन काल से आज तक ठीक है तो ये होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना Now, thank you.